बॉबी पवार नाम की चिंगारी अब आग पकड़ चुकी है और यह आग टिहरी लोकसभा क्षेत्र में फैलती जा रही है। बॉबी पवार को किस तरह जन समर्थन मिल रहा है आप इन तस्वीरों में देखेंगे। ये जन सैलाब जो उमड़ रहा है, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि टिहरी सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला नहीं है, यहां बॉबी पवार भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। बॉबी पवार को जन समर्थन क्यों मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात होगी कि किस कदर उनकी मां भी उनके चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं और चुनाव को जो अब दो दिन रह गए हैं उसमें बॉबी पवार कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। इस रिपोर्ट में तमाम जानकारियां जानेंगे और साथ साथ जानेंगे कि बॉबी पवार जो इस जन सैलाब जुटा रहे हैं इसकी क्या वजह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। बस दो दिन चुनाव को रह गए हैं, ऐसे में प्रचार प्रसार अपने चरम पर पहुंच चुका है और बॉबी पवार जो कि टिहरी सीट से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे जन जन तक पहुंचने में। ऐसे में उत्तरकाशी के बड़कोट में उन्होंने एक जनसभा की। नगर पालिका बड़कोट के रामलीला मैदान से जब उनकी रैली निकली तो उनकी रैली में किस कदर भीड़ थी इन तस्वीरों में देखिए। ये भीड़ बॉबी पवार जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इस भीड़ में न सिर्फ युवा हैं बल्कि बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं और महिलाएं हैं। जहां ये कहा जा रहा था कि बॉबी पवार युवाओं के नेता हैं, सोशल मीडिया के नेता हैं, अब बॉबी पवार सोशल मीडिया से बाहर आकर जमीनी तौर पर भी मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे। कहीं ना कहीं बॉबी पवार ने बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में बॉबी पवार की मां जो कि चुनाव प्रचार में उतरी हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ बॉबी को जन्म दिया है, अब ये चुनाव उन्हें जनता लड़वा रही है और जनता का काम बनता है उन्हें जिताना। एक बार बॉबी पवार की मां का बयान आपको सुना दें। मैं ये चाहती हूं कि जियो तो मैं एथरा लोग देना साथ एत के आगा सभी और साथ दियानु। मैं जन्म देना जियो तुम्हें देना, जियो को पूरा सहयोग करी, पूरा साथ दे, जय जयकारी नमस्कार, जियो आप री गाड़िया आप रो खर्चा सब कुछ लगी कर दे। हम का अशोक करी, हम तो गरीब आदमी है, मैं कभी सोचना तो मेरे बेटा चुनाव खड़ो हों, हम गरीब आदमी है। एथरा जब तुम आगे पहुंचो तब तुम्हारो आशीर्वाद तुम्हारो। बॉबी पवार के समर्थन में यमुनोत्री घाटी के भी कई लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि बॉबी पवार को वो पूरा समर्थन दे रहे हैं और साथ साथ उन्होंने अपील की है कि जो लोग इस वक्त देहरादून में पढ़ाई करने गए हैं अपने गांव छोड़कर, वो अपने गांव आकर बॉबी पवार को सपोर्ट करें। ऐसे में बॉबी पवार मजबूत कैंडिडेट के रूप में भी नजर आ रहे हैं। एक बार वो बयान भी सुनते हैं। मैं महावीर पवार माही यमुनोत्री धाम और आज बड़कोट में आज जो भाई बॉबी पवार को आशीर्वाद देने के लिए समर्थन के रूप में जनसैलाब उमड़ा, मैं उन सब पूरी यमुना घाटी की जनता का जो दूरदराज गांवों से आए थे उन सब का भाई बॉबी पवार की तरफ से आभार और साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सिर्फ यह संदेश देना चाहता हूं कि जो बच्चे आज देहरादून में अपनी पढ़ाई करने जा रखे हैं, सभी अपने मतदान करने गाँव गाँव आए और भाई बॉबी पवार को विजय बनाना है, क्योंकि भाई बॉबी पवार आप सबके लिए लाठियां खा रहा था, जेल के हवा खाई है, इसलिए आज हम सबका कर्तव्य है कि भाई बॉबी पवार को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। और हमारा नारा है टिहरी लोकसभा में बॉबी पवार अब की बार 7 लाख पार का जो नारा है, यह तभी सफल होना है जब आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में देहरादून से अपने वोट देने गांव में आएंगे। बॉबी पवार को आखिर इतना जन समर्थन क्यों मिल रहा है, अब उस पर बात करते हैं। बॉबी पवार एक युवा चेहरा है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार युवाओं की आवाज को बुलंद करने का उन्होंने काम किया है। 2022 से जब भर्ती घोटाले के प्रकरण सामने आ रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, तो लगातार वो युवाओं की आवाज बनकर देहरादून परेड ग्राउंड में और गांधी मैदान में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ, हिरासत में कई बार रहे, इसके बाद से युवाओं में उनकी एक अच्छी पकड़ बन गई। उसके बाद जब जमीनी मुद्दों की बात आई, अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात की जाए, भूकानून मूल निवास की बात की जाए, तब भी बॉबी पवार का चेहरा एक अग्रणी नायक के रूप में उभर कर आया और वो जनता की आवाज बनकर आंदोलनरत रहे। ऐसे में युवाओं और महिलाओं के बीच बॉबी पवार काफी प्रचलित हो गए, लेकिन अभी भी मसूरी और कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं देहरादून में जहां बॉबी पवार की इतनी लोकप्रियता नहीं है। लेकिन बॉबी पवार को जो समर्थन टिहरी लोकसभा सीट पर मिल रहा है,
उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी जिले की बात करें या देहरादून के युवाओं के समर्थन की बात करें, वो अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन इस सीट पर उनकी राह इतनी आसान नहीं है। सोशल मीडिया में भले ही उन्हें एक जबरदस्त समर्थन मिल रहा हो, लेकिन उनकी जो टक्कर है वो टक्कर है उनकी महारानी से, और महारानी के पास पीएम मोदी जैसा बड़ा नेतृत्व है, शक्तिशाली नेतृत्व है, और साथ साथ जिस कदर बीजेपी के कार्यकर्ता टिहरी लोकसभा के गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि बीजेपी किसी भी हालत में सीट को छोड़ना नहीं चाहती। अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए विजयपाल सजवाण भी लगातार जनता के बीच जाकर माला रानी राजलक्ष्मी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर ज्योत सिंह गुनसोला की, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ मसूरी विधानसभा में रखते हैं, क्योंकि वहां से वो विधायक रह चुके हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी जिस कदर अभी परेशान थी क्योंकि कई नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे थे, ऐसे में कुछ टाइम से ये दौर तो थमा है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस में ही हैं, लेकिन चुनौती बॉबी पवार बड़ी है। बॉबी पवार जिस तरह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव में उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट को हॉट सीट भी बना दिया है। अब 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, 2 दिन बाकी है, ऐसे में टिहरी लोकसभा की जनता किस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार घोषित करती है, किसे अपना मत देती है, ये भी देखना होगा। लेकिन इस सीट पर देश के कई लोगों की नजर है, क्योंकि एक युवा नेता जिस कदर ताल ठोक रहा है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप उत्तराखंड तक देखते रहिए, और ये तमाम जानकारी जो जुटाई थी हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से ओंकार भोड़ा ने जुटाई थी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें उत्तराखंड तक।